Glad that Government of India has recognized the facts and banned BGMI today. We also wrote an open letter to Mr. Poonima, the founder of Tencent Holdings, asking him pointed questions. What is up guys and welcome back to the new video. And guys, BGMI guys finally अबे banned होने वाले हैं। हाँ guys, कोई भी अबे fake news नहीं, मैं आपको पूरी proof के साथ आज की इस video के अंदर दिखाने वाला हूँ। And कल जो guys अबे meeting होना था, meeting में क्या हुआ सब कुछ guys अबे officially अबे proof यहाँ पे आ चुके हैं। And साथ ही में guys हमारे पे Koda shop से भी जो UC recharge करने का option था BGMI का, वहाँ से भी guys BGMI का अबे remove कर दिया। तो guys काफी बड़ा मामला हो चुका है, जो कि guys आपको आज की इस video के अंदर पूरा complete बताऊंगा। Video को पूरा last तक देखना, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा BGMI बैन का रिगार्डिंग, किस तरीके से BGMI अनबैन होगा वो भी गाइस अबे मेंशन है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, काफी आप लोग को इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाले, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम बात करते हैं BGMI एक्चुअली बैन, आपको पता है जो कि हम लोग को लगा था कि कोई ग्लिच के कारण से प्ले स्टोर से रिमूव हुआ, एंड प्ले स्टोर से रिमूव होने के बाद गाइस अबे ऐप स्टोर से भी गाइस अबे रिमूव हो गया था। इसके बाद गाइस सब कुछ अबे गाइस सामने अबे क्लियर हो चुके हैं। एंड जैसे कि सब लोग को लग रहा है कि BGMI इस कारण से बैन हुआ, जो कि अबे आप लोगों पता है कुछ दिन पहले एक बच्चे ने अपना मदर को किल किया था या पे गेम के कारण से, तो सब लोग को लगा कि बच्चे ने जो मदर को किल किया इस कारण से गेम को बैन हो रहे। तो गाइस ये कोई भी बात नहीं है, ऐसी भी नहीं है कि गाइस गेम के अंदर यूसी ज्यादा लोग यूज कर रहे, यानी कि गेम के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे पैसा, इस कारण से बैन हुआ, ऐसे कोई भी मामला नहीं है। जो कि पूरी जो प्रोसेस था ये डाटा माइनिंग की, यानी कि डाटा जो शेयर हो रहा है डाटा शेयरिंग के लेके ये लोग इसको बैन किया। एंड जो 69A का जो इसकी जो धारा लग चुकी है, जो कि मैं आपको पूरी सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को देखना लास्ट तक। देखो गाइस BGMI को लेकर काफी बारे पे काफी सारा न्यूज आया, काफी पॉलिटिशियन ने मोदी को ऐप पे ट्वीट किया। एंड पिछले साल यानी कि अगला साल में ऐप पे पारस ने भी ऐप अरेस्ट हुआ, जो कि निन्नोंग एरिन अरुणाचल का जो ऐप पे पॉलिटिशियन है, तो अरुणाचल प्रदेश का पॉलिटिशियन ने भी सेम यही जो ट्वीट किया था कि BGMI कोई अदर कोई गेम नहीं है, पबजी है, पबजी को ऐप पे नाम चेंज करके लाया गया है, इसका डेटा शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। एंड इस बार जो ऐप पे NGO प्रहार ने तो ये भी सेम क्लेम किया, तो इसकी बात गई उन लोगों का एंड हमारे गवर्नमेंट की नजर में आया। एंड इसकी बात गई ये क्वेरी को लेके गई इसका बैन यहाँ पे लगाया गया, बट अभी तक कोई भी सर्वर डाउन नहीं हुआ, सर्वर अभी तक डाउन नहीं हुआ इस कारण से, क्योंकि इसका 14 डेज की टाइमिंग है, जो कि मैं आपको आगे बता देता हूँ, ठीक है, पूरे सीन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो गाइस 29 तारीख को यानी कि कल की डेट में, आपको पता है जो हमारा गवर्नमेंट और कैप्टन के साथ मीटिंग था, तो उस मीटिंग में क्या हुआ, ठीक है, सब लोग जानना चाहते हैं कि इस मीटिंग में क्या हुआ। तो गाइस देखो मीटिंग जो क्या हुआ उसका पूरा ऐप पे आर्टिकल काफी सारे पे आ चुका है, जो एक ऑफिशियल पे आर्टिकल है मैं आपको दिखाया था, ठीक है, तो ये आपको देखने के बाद पूरी समझ आपको आ जाएगा, ठीक है। तो देखो गाइस जो यहाँ पे ऑफिशियल पे आया है, द गवर्नमेंट ऑफ द इंडियन इज बैंड BGMI अंडर सेक्शन 69A। तो गाइस यहाँ पे 69A का धारा दिया गया, जो कि यहाँ पे BGMI को बैन करने के लिए। एंड इसका जो रीजन क्या था, हमारे इंडियन गवर्नमेंट का रीजन क्या था, जो कि यहाँ पे देखो नेशनल सिक्योरिटी अमंग अदर, हमारा देश का यहाँ पे सिक्योरिटी के कारण से आप इसको बैन किया है। देखो देश का सिक्योरिटी की मीन आप लोगों को पता चल गया, जो कि मैं आपको साफ साफ बताया तो जो कि हमारा गवर्नमेंट ने क्राफ्टन के सामने यही जो अपना राय रखा कि आप लोग हमारे इंडिया का डेटा को शेयर कर रहे हो कोई अदर कंट्री, इसी कारण से हमने इसको बैन किया, हमारे इंडिया के अंदर प्ले स्टोर से ऐप स्टोर से पे रिमूव किया गया। एंड देखो अभी अगर भाई BGMI को इसको अनबैन करना है प्ले स्टोर में ऐप स्टोर के अंदर लाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो कि सेम यहाँ पे पबजी के टाइम में हुआ था। देखो पबजी से बैन हुआ था, बैन होने के बाद यहाँ पे क्राफ्टन और यहाँ पे टेंशन के साथ हमारा गवर्नमेंट के यहाँ पे मीटिंग हुआ था। मीटिंग में क्या हुआ था कि हमारा गवर्नमेंट ने क्राफ्टन और टेंशन के 14 डेज की टाइमिंग दिया, जो कि 14 डेज के अंदर क्राफ्टन और टेंशन को प्रूफ करना था कि जो इंडिया का डेटा वो शेयर नहीं हो रहा, तो उस टाइम उसको प्रूफ नहीं कर पाया, तो इसलिए पबजी को बैन कर दिया। एंड सेम जो गाइस BGMI के साथ भी सेम प्रॉब्लम, जो कि इस बार भी 14 डेज की टाइमिंग दिया, 14 डेज के अंदर अगर BGMI इसको प्रूफ कर देता कि ना इंडिया का डेटा कभी भी शेयर नहीं हो रहा, इंडिया का डेटा इंडिया के अंदर ही यहाँ पे स्टोर हो रहे, अदर कंट्री में शेयरिंग नहीं हो रहे, तो भाई BGMI ऑब्वियसली यहाँ पे दोबारा से रिटर्न कर जाएगा प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के अंदर, अगर गाइस इन लोगों ने प्रूफ नहीं कर पाते तो गाइस BGMI तो गया, ठीक है। एंड और भी यहाँ पे काफ़ी सारा न्यूज़ है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो Koda shop से फाइनली आज से अगर सुबह में जाकर Koda shop चेक करोगी तो Koda shop से आप देख सकते हो Koda shop से रिमूव है पूरी ऐप में सेक्शन है, पूरी चेक कर लिया जितना भी गेम्स है, जितना गेम्स में यहाँ पे रिचार्ज होते हैं सारी गेम को मैं देख लिया। BGMI का भी आपको आता पता नहीं लग रहा है आपको BGMI Koda shop के अंदर, यानी कि इस Koda shop से भी रिमूव कर, अगर आप लोग को लग रहा है कि सर्वर क्यों डाउन नहीं हो रहे, तो गाइस देखो सर्वर अभी डाउन नहीं होने वाले, क्योंकि जो आपको पता है 14 डेज के यहाँ पे टाइमिंग रखा गया, 14 डेज के टाइमिंग के अंदर अगर BGMI प्रूफ कर देता है कि ना ये डेटा काफी भी शेयर नहीं हो रही, इंडिया के अंदर ही स्टोर हो रहे, तो गाइस दोबारा से कम बैक कर जाएगा BGMI और ऐप स्टोर का और प्ले स्टोर के अंदर, अगर भाई आप पे प्रूफ नहीं कर पाते तो BGMI बैन होने वाले इंडिया के अंदर, सर्वर भी डाउन होने वाले। फिर गाइस क्या करेंगे हमको भी पता नहीं चल रहा, हम लोग भी किस कंटेंट के ऊपर फोकस करेंगे, किस टाइप का कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि देखो अदर गेम में हमारा मूड भी नहीं बनने वाले, हमारा हाथ भी सेट नहीं होने वाले, मज़ा भी नहीं आने वाले, ठीक है। तो
होपफुली गाइस क्राफ्टन इसको प्रूफ कर दे कि गाइस ये जो डेटा इंडिया के अंदर ही स्टोर हो रहे, अदर कंट्री में स्टोर नहीं हो रहे। एंड और एक जो बात गाइस, यहाँ पे बीजीएमआई बैंड होने के बाद यहाँ पे जैसे उस क्राफ्टन का 9% यहाँ पे शेयर जो डाउन हो चुके, 9% गाइस काफ़ी बड़ा बात होता है गाइस, 9% शेयर यहाँ पे क्राफ्टन का डाउन हो चुके। एंड साथ में गाइस यहाँ पे टेंशन का भी कुछ परसेंट है जो कि यहाँ पे ऑफिशियल पे लीक नहीं हुआ, बट हम लोग को पता है कि कैसे कुछ 15% कुछ ऐसी शेयर डाउन हुई है। ठीक है, तो क्राफ्टन इस बार तो इसको लेकर कुछ करेगा क्योंकि अब 14 डेज की टाइमिंग इन लोगों को प्रूफ करनी है, अगर प्रूफ नहीं कर पाते तो क्राफ्टन का भी काफ़ी बड़ा लॉस होगा। एंड पता है कि इस ई स्पोर्ट्स का लेकर कैसे हमारे पे इंडिया में क्या चल रहा है, कितना आगे ग्रो कर रहे हैं हमारे ई स्पोर्ट्स इंडिया के अंदर, तो होपफुली गाइस कम बैक जरूर करेगा बीजीएमआई। भाई गाइस यही अगर प्रूफ कर देता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कर पाते तब भी बढ़िया, क्योंकि हमारा देश के आगे कुछ भी नहीं है। गेम भाई मामूली बात, अगर हमारा देश सिक्योर रहेंगे तो हम भी लोग भी सिक्योर रहेंगे। ठीक है, बाकी गाइस ये थी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी प्लीज़ सर वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी बीजीएमआई बैंड एंड बैंड रिगार्डिंग जो भी रियल इन्फॉर्मेशन आते हैं मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भाई देखो अगर रियल नहीं आता तो फेक बताएगा कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा चैनल फेक चीज़ हम अपलोड नहीं करते। ठीक है, बाकी गाइस मिलती कमाल का वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड द सायनारा।